हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का समय, यहाँ पे हम लोग खाना बनाने की तैयारियाँ कर रहे हैं और इसमें रिया भी हमारी हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे खाना बनाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। कल मैं जब गांव से आई हुई थी तो रास्ते में मैंने दो सब्जियाँ ले ली थी, तो जैसे कद्दू और लौकी मैंने ले ली थी। तो कद्दू मैंने शाम को ही कल बना लिया था और लौकी मैं अभी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कोफ्ते लौकी के बनाने जा रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग कर रहे हैं। इसकी वजह से रिया भी हमारी हेल्प कर रही है क्योंकि हमारे हस्बैंड को अभी ऑटो लेके जाना है और अभी 10-12 दिन हो गए तो खेती का काम चल रहा था। तो अभी जो है हम लोग आ गए हैं घर, तो इनको सुबह निकलना है क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप होने लगती है, फिर ये दोपहर में आ जाते हैं। तो इसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने सारे पकौड़ियाँ जो है लौकी और बेसन की बना ली है और यहाँ पे मैंने इतनी जल्दी की हुई है कि यहाँ पे जो तेल पड़ा हुआ था कढ़ाई में उसको मैंने नहीं निकाला हुआ था और तेल काफ़ी ज़्यादा था, निकालने वाला था। और इसमें जो है मैं पहले रिफाइंड का जो है तेल पड़ा हुआ है तो उसी में मैं छौंक लगा देती हूँ। वैसे सरसों के तेल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा छौंक होता है, लेकिन यहाँ मैं इतनी जल्दी में थी तो मैंने सोचा चलो मैं इसी में छौंक लगाए देती हूँ। तो यहाँ पे सारे मसाले मैंने पका के इसमें पानी ऐड कर दिया हुआ है ग्रेवी के हिसाब से। जब ग्रेवी में हमारी बॉईल आ गया है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सारे पकौड़े ऐड कर दिए हुए हैं और कुछ पकौड़े मैंने खाने के लिए निकाल दिए थे। तो यहाँ पे मैं सब्जी पकने के लिए रख दूंगी और एक तरफ मैं सब्जी रखूंगी और एक तरफ मैं रोटियाँ बना लेती हूँ क्योंकि आटा भी हमारा गूंदा रखा हुआ है, तो इसकी वजह से मैं फटाफट कर लेती हूँ। और जो है चावल मैंने बना लिए हैं पहले से ही, तो यहाँ पे खाना हमारा बन के रेडी हो गया है। तो पहले मैं हमेशा की तरीके से गाय के लिए निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद में सबके लिए मैं खाना निकालूंगी। तो यहाँ पे लौकी के कोफ्ते और चावल और रोटियाँ हमारी बन के तैयार हैं, तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना निकाल देती हूँ क्योंकि उनको बहुत जल्दी। खाना हमारा बनके रेडी हो गया है और यहाँ पे मैंने खाना भी निकाल दिया है। तो मैं सबसे पहले इनके लिए खाना दे देती हूँ और फिर सबके लिए मैं दे दूँगी क्योंकि अब जो है दोपहर 10-11 बजते हैं तो दोपहर का समय लगने लगता है, इसकी वजह से भूख भी जल्दी लगाती है। तो खाना सुबह बनाना ही होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं खाना पीना हम लोगों का हो गया था, ये शाम का समय है। तो अभी मैं चल रही हूँ फ्लैट में क्योंकि सुबह मैं सोच रही थी कि सुबह मैं सारा काम कर लूँगी, लेकिन सुबह खाना पीना में लग जाओ तो फिर दोपहर हो जाती है, इसकी वजह से धूप यहाँ पे हो जाती है, फिर आने का मन नहीं करता। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10-12 दिन हो गई हैं और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं देखा है। आज हमें लगा चलो मैं देख लेती हूँ कि यहाँ पे कितनी सारी मिर्ची लगी हुई हैं। सुबह मैं आई थी तो काफ़ी सारी मिर्च लगी हुई थी, तो हमें लगा मैं इन्हें तोड़ लूँगी, नहीं तो ऐसे क्या होगा जब मिर्ची नहीं तोड़ेंगे तो फिर दूसरी मिर्ची नहीं लगेंगी। तो इसकी वजह से हमें लगा चलो मैं तोड़ लेती हूँ। और यहाँ पे लाल मिर्च बहुत सारी हो गई हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से पक चुकी हैं, तो हमें लगा चलो मैं इनको पहले से ही तोड़ लेती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लाल मिर्च हो गई हैं, नीचे लगी हुई हैं और ये जो लगी हुई हैं ये भी पकने को है, ये भी लाल होने लगी हैं थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पे ये देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा लाल हो गई हैं। तो अभी मैं सारी मिर्च तोड़ लूँगी जितनी हमें ज़रूरत होगी, यानी ज़रूरत हो या ना हो लेकिन जो लाल हो गई हैं उनको तोड़ना ही पड़ेगा। इसकी वजह से मैं सारी मिर्च तोड़ के फ्रिज में रख दूँगी, इतनी जल्दी वैसे भी नहीं ख़राब होती हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट तोड़ लेती हूँ और इनको बहुत सावधानी से तोड़ना होता है, नहीं तो क्या होता है इनके पौधे जो है टूट जाते हैं, साथ में चले आते हैं तो ख़राब होने का डर रहता है। तो यहाँ पे मैं बड़ी सावधानी से तोड़ रही हूँ, तो आप लोग खुद देख लीजिए यहाँ पे कितनी सारी मिर्च जो है लाल लगी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, ये 10-12 दिन से मैं यहाँ पर नहीं थी तो इसकी वजह से ये लगी पड़ी हुई हैं और बच्चे देख रहे थे। बच्चों को मैंने मना कर दिया था कि आप मत तोड़ना, नहीं तो ऐसे क्या होता है बच्चे नहीं तोड़ पाते हैं और सारे जो है पौधे इसके टूट जाते हैं। और यहाँ पे ये चांदनी का पौधा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसमें फूल भी आने लगे हैं। तो यहाँ पे पानी दिया जाता था और बच्चों को मैं कह के गई थी कि पानी दे देना, लेकिन अभी जो है आप लोग मिर्च नहीं तोड़ना, नहीं तो ऐसे क्या होगा ये तोड़ भी नहीं पाते और पौधों का नुकसान भी हो जाता है। इसकी वजह से हमें लगा चलो मैं तोड़ लेती हूँ। तो ये देखिए कितनी सारी मिर्च निकली हुई हैं, ये अभी जो है इनको लाल मिर्च जो है इनको अलग भी करना है। तो इतनी लाल मिर्च होंगी ये अभी जो है गीली हैं, सूखी नहीं हुई हैं, ऐसे क्या
होता, ये सूख सूख के नीचे गिर जाती, फिर वो इतनी उतनी अच्छी नहीं लगती। इसकी वजह से हमें लगा चलो मैं यही साथ में तोड़ लेती हूँ। तो इतनी सारी मिर्च मैंने तोड़ ली है, तो काफ़ी ज़्यादा अभी हमको मार्केट से नहीं लानी पड़ेंगी, तो इसकी वजह से काफ़ी दिनों के लिए ये मिर्च हो गई हैं। तो अभी हम घर चल रहे हैं। मिर्च मैंने तोड़ के रख दी है घर में, और यहाँ पे रिया को मैंने दे दिया है ये काम करने के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत पत्तियाँ आ गई थी, तो हमें लगा चलो इनको, ये जो पत्तियाँ आ गई हैं इनको साफ कर दो और मिर्च अलग कर दो, जो लाल मिर्च है इसको अलग कर दो, जो हरी है इसको अलग कर दो, तो लाल वाली पहले जो है सब्जी में पड़ जाएगी और हरी है जो वो रख दी जाएगी, तो थोड़ी बहुत खाने पीने के लिए भी हो जाएगी, जैसे कि दाल के साथ खाओ और अच्छी लगती है, घर की मिर्च है तो अच्छी लगती है। और मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ मार्केट के लिए, क्योंकि सब्ज़ी कोई नहीं है और मार्केट भी जाना बहुत ज़रूरी है, शाम भी हो गई है और देखते हैं सब्ज़ी मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलती हूँ आप लोगों को अगले किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।